तो आज हम भाई ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं अपनी महिंद्रा थार से। अब ये मत पूछना ये कब का मॉडल है, कहाँ का है, वो सारी डिटेल्स देख के ही बदल चल रही होगी। अभी जो आया वही मॉडल है शायद, बताओ आप भाई। भाई वो थोड़ा पुराना मॉडल है। अच्छा बीच का मॉडल है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं भाई पहले अब अपनी ऑफ रोडिंग वाली जगह पे, क्योंकि मुझे तो रास्ता पता नहीं है, यही भाई ले जाएंगे तो पहले चलते हैं वहाँ और देखते हैं। बाकी भाई स्पीड तो गाड़ी काफ़ी अच्छा पिकअप है, ऑफ रोडिंग व्हीकल होते हुए भी पिकअप तो उसका काफ़ी अच्छा है। चलते हैं, बाकी पासपोर्ट चेक हो रहा है यहाँ हमारा कि सब पासपोर्ट पासपोर्ट सब सही है भाई, है कुछ हरकत नहीं की हमने। चलते हैं, अभी ऊपर आपको स्पीड दिखा रही होगी और गियर दिखा रहा है भाई साइड में, और उसके नीचे कितने किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिए। तो अभी है हमारा ऑफ रोडिंग बेसिकली आप कह सकते हैं शुरू हो गई है, तो 39 किलोमीटर है, देखते हैं कितने किलोमीटर हम एंड में टोटल ड्राइव करते हैं, तो ये देखना होगा। और आगे भाई थोड़ा कीचड़ है, तो यहाँ पे देखते हैं गाड़ी कैसे चलती है, चाह तो काफ़ी आराम से रही है। बाकी अभी धीरे धीरे और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग हो जाती जाएगी, तो एंड तक ज़रूर देखना भाई वीडियो को, और लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगे तो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलते हैं, ये तो काफ़ी आराम से निकल जाएगी यहाँ, अभी धीरे धीरे एक्सट्रीम जगह आएगी, रिवर क्रॉसिंग भी करेंगे भाई। सामने एक छोटी सी रिवर भी दिख गई है, छोटी जाती है रिवर है, तो मुझे नहीं लगता यार यहाँ पे गाड़ी ले जानी चाहिए। ले जाएं क्या भाई? हाँ भाई बिल्कुल, यार यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी भी निकाली। तो आप निकालते रहो अपनी, हम चलो निकाल के देखते हैं यार। डर तो लगा है काफ़ी बार, ठीक है कितनी है वैसे इसकी वो वाटर कैपेसिटी क्या? 800 लीटर? नहीं 600 लीटर। 600 लीटर नहीं, मतलब उसके अंदर तब जा सकती है। अच्छा ठीक है, ये चलते हैं, ये निकाल लेंगे यार, बस निकल जाएंगे हम यहाँ से, आराम आराम से निकालते हैं। गाड़ी में डैमेज वैमेज होना चाहिए, डिफरेंशियल लॉक भी आता है इसमें, पता नहीं क्या होता है, वो पूछते हैं भाई से, भाई क्या होता है डिफरेंशियल लॉक? में बहुत मदद करता है। कैसी मदद भाई ये तो बताओ भाई, वो टायर को लॉक कर लेता है। मतलब गाड़ी पीछे नहीं जाती है? हाँ। ओके देखेंगे आगे भाई। अभी वापस चलते हैं भाई, कोई अच्छी जगह और चलते हैं एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाली, तो भाई से पूछते हैं कोई अच्छी जगह हो तो ले चले भाई, और इससे अच्छी जगह है कोई? हाँ भाई। चलो फिर ले चलते हैं, अभी चलते हैं यार, अभी सामने और भी पानी खींच रहा है। बाकी एक दिक्कत लगी यार मुझे, मतलब बोनट नहीं दिख रहा भाई हमें, ये देखो गाड़ी गाड़ी दिख रही है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। करने की निकालते हुए अपनी गाड़ी, उसके बाद वॉश करवाने के पैसे में एंसी लूँगा और कर लेंगे। चलते हैं आपको यार, अब अच्छी जगह ढूंढते हैं, क्योंकि बीच में हम काफ़ी रास्ता भी भटकते हैं, तो ढूंढते हैं आई कोई अच्छी जगह और फिर वहीं चलते हैं। तो भाई आ रहे हैं अब अपनी मेन जगह पे, चलते हैं यहीं से रास्ता का, हम लोग और आगे चलेगा इसके, मतलब क्या होता है 39 किलोमीटर स्टार्टिंग। अच्छा 1 ही किलोमीटर हुआ है अभी, ठीक है ठीक है, आखिरी में देखेंगे कितने किलोमीटर ड्राइव की। चलते हैं इस पहाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं गाड़ी को, क्या कहते हो चढ़ पाएगी? हाँ भाई चढ़ पाएगी, देखते हैं ट्राई करते हैं, चढ़ जाएगी भाई बहुत आसानी से। बाकी कमेंट्स में बताना क्या एक्सट्रीम कार की आपको और वीडियो चाहिए, तो वो भी है, और बाकी इसकी टॉप स्पीड भी चेक करेंगे हम, तो उसके लिए भी बने रहिएगा चैनल पे। एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लो, नहीं दो बार वो बटन मत दबाना, एक ही बार सही है। चलते हैं आगे, देख रहा है भाई सिनेमैटिक, देखा तुम कबाड़ा का बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा हुआ है भाई, सामने पेड़ है यार, ठुक जाएगी मेरी गाड़ी। ये देखते भाई रात हो चुकी है यार, देख रहा है रात में ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई हम, हल्की सी लग भी गई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं, डेंट स्क्रैच आया नहीं है,
बाकी रास्ते में हमारा बम्पर भी टूट टूट गया था, तो वो हमने रिपेयर करवा लिया था। अब चलते हैं ऊपर भाई, बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है ये, काफ़ी खतरनाक भी है। जिस वक्त हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अराउंड रात के 10-11 बज रहे होंगे। चलते हैं, लाइट्स ऑन है भाई हमारी। चलते हैं सीधे, और पीछे आ रही है भाई गाड़ी, लेकिन कोई ना। अभी भी भाई हमारे 1 किलोमीटर ही हुआ, मतलब क्या है, इतनी देर से हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। कोई ना, चलते हैं, निकालते हैं भाई यहाँ से गाड़ी और घर ही चलेंगे डायरेक्ट। चलते हैं भाई सीधे सीधे, काफ़ी वैसे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही, इंजन लैग वैग भी नहीं हो रहा है भाई। एक दिक्कत और हो चुकी है, जब हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे थे तो हम ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना भूल गए, मतलब बिना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करें हम पहाड़ पर चढ़ा के और कहाँ कहाँ से आ गए। पर कोई बात नहीं, अगली बार जब हम अपने फोर्ड के F-150 ना रेंजर फोर्ड रेंजर से ऑफ रोडिंग करेंगे तो उसमें ये ज़रूर ऑन करेंगे। बाकी तो अपनी अभी महिंद्रा थार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है भाई। चलते हैं भाई, अब सिटी की तरफ आ चुके हैं। तो भाई ये ऑफ रोडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताना, बाकी फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।